चक्रा बैलेंसिंग वर्कशॉप, और हम आज बात करने वाले हैं कि चक्रा होते क्या हैं। चक्र के बारे में इतना हल्ला गुल्ला है, सब वीडियोस, मैं तो बहुत आजकल रील्स पोस्ट करती हूँ चक्रा के बारे में। तो चक्रा क्या होता है, किसी को मालूम है? संगीता, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट चक्रास, क्या होते हैं, यस मैम, यस, क्या होते हैं? दे आर एनर्जी बॉडीज इन आवर बॉडी. दे आर 7 पॉइंट्स वॉट वी हैव, विच आर बेसिकली होल्डिंग एवरीथिंग. ईच थिंग, ईच चक्र इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट, यू नो, आई डोंट नो हाउ टू से, इट्स फॉर अ डिफरेंट रीजन. ईच चक्र होल्ड्स अ डिफरेंट, इट्स गॉट अ डिफरेंट होल्डिंग, डिफरेंट कनेक्शंस आई शुड से, किसके साथ है कनेक्शन? यूनिवर्स के साथ. या 7 सेंटर पॉइंट्स, नो? चक्र क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे 7 चक्र हैं, यूनिवर्स के साथ बाद में हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं। हम 5 तत्वों से बने, वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट्स अंदर है हमारे, फायर राइट, एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, कौन सा, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, है ना, स्पेस एलिमेंट, सब इस शरीर में ही है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी यही हैं। सब कुछ जो जिसे कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। तो अगर ये चक्र बैलेंस है, हमारे चक्र एक्टिवेटेड है, तो हम जो चाहते हैं वो लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अभी जो बेसिक वर्कशॉप है 7 डेज की, ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। जितना इसमें अंदर जाएंगे, जितना लोग इसमें मेडिटेशन करते हैं, उतना नीचे अंदर गहरे जाते हैं, और वो उनके कलर्स भी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर चक्र के अपने अपनी पंखुड़ियां होती हैं, पेटल्स होते हैं। ये वाला जो चक्र है, क्राउन चक्र है, 1000 पेटल्स हैं इसमें। ऐसे किसी में 4 है, किसी में 6 है, कमल के फूल का जैसा ये होता है। और ये उस तरीके से चक्रास हमारी लाइफ में हमें बेनिफिट करते हैं। तो ये चक्रा क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, पूनम आप बताओगे चक्र क्यों ब्लॉक हो जाते हैं? हमने करा था, हमारी नेगेटिव थिंकिंग से और और नेगेटिव थिंकिंग की आ रहे मुझे से शिखा आप बताओगे क्यों चक्रा ब्लॉक होते हैं? मैम, वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न ही है हमारा, या और सिमिलर पैटर्न से? सिमिलर थॉट प्रोसेस होता है हमारा, वही नेगेटिव सेल्फ टॉक और हमारा जो अपना बिलीफ सिस्टम ध्यान, होता है. हाँ, बिलीफ वही सिस्टम ही तो नेगेटिव हमारा हिल जाता है थिंकिंग। सारा. वही हार्ट चक्रा सा, ओ सॉरी, सारे, जब जैसे जैसे चक्रा ब्लॉक होते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा सब कुछ डिसबैलेंस होता चला जाता है. बॉडी में डिजीजेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और देखो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम सब ब्लॉक्ड हो जाते हैं. क्या होता है, जो बाहर हो रहा होता है ना, किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, किसी ने हमें चीट कर लिया, किसी ने हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, तो हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, जितना भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो कि नेगेटिव है, वो हमें इफेक्ट करता है, हमारे माइंड पे इसका इफेक्ट जाता है। मन भी नहीं समझ आए प्लीज पूछ लेना, क्योंकि नए वाले यहाँ 3-4 लोग, 3 ही लोग हैं, बाकी कब ज्वाइन करेंगे मुझे पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, बाहर की चीजों पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम मुझे 4 गाली दे दो, मुझसे बदतमीजी से बात करो, मेरा तो दिल टूट जाएगा और मैं ऐसे श्रृंग होके बैठ जाऊंगी, इसे तो बात ही नहीं करनी मुझे, है ना। तो मैंने क्या किया, अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया। पूनम से, जिनके हार्ट डिजीजेस होती हैं, उनका ये मानना कि दे फील लैक ऑफ लव इन देयर लाइफ, कि उन्हें प्यार नहीं मिला, उन्हें उन्हें हम यहाँ सारी बात करें होलिस्टिकली, बीमारियों की, होलिस्टिकली हमारी लाइफ कैसे इफेक्ट होती है। तो अगर हमारे हार्ट चक्रा में इश्यू है, तो इसका मतलब हमारे को जो लव अफेक्शन मिलना था, ना हमने लिया ना हमने दिया। हम बात करते हैं अनकंडीशनल लव की, कि हम अनकंडीशनल लव सबको दें, लेकिन पहले हमारे पास हो तो सही, तभी तो दें। खाली पड़ा है बर्तन तो वो क्या देगा। तो पहले हमें खुद को सेल्फ लव देना चाहिए। तो सेल्फ लव के लिए कैसे करेंगे, सेल्फ लव होता क्या है, सेल्फ लव कैसे करते हैं, ये एक वर्कशॉप हम रखने वाले हैं। पर सेल्फ लव मैंने जो पुराने वाली वर्कशॉप से उसमें भी डिस्कस किया था कि सेल्फ लव इज नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश। अब जैसे संगीता ये बोलती हैं कि मैं अपनी फादर की टेक केयर कर रही हूँ, अब मैं बोलूँ तुम अपना ध्यान रखो, तो ये सेल्फिश होना तो नहीं होगा ना, होगा क्या संगीता ये? हाँ, राइट, क्योंकि अगर तुम ठीक होगी ना, तब तो फादर का ध्यान रखोगी।
बिल्कुल है ना। अगर मैं खुद से प्यार करूंगी, अगर मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, अपनी डाइट का ध्यान रखती हूँ, मैं फिट रहती हूँ, तो उसको दूसरे का भी ध्यान रखूंगी। अगर वो इरिटेटेड है, बेड रिडन है, कुछ समझ नहीं रहे, गुस्से में रहते हैं, मैं खुद ही टूटी पड़ी हूँ, तो मैं क्या उनका केयर करूंगी, मैं तो और परेशान हो जाऊंगी। ये तो होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं हम, होता है, ये होता है ऐसा तुम्हारे साथ संगीता? बिल्कुल इरिटेट होते होंगे ना बड़ी एज में, जो उनके हिसाब से काम में चिड़चिड़ बढ़ जाती डेफिनेटली है ना। तो जो हम अपने ऊपर जब हम काम करते हैं, अपनी चीजों को इम्प्रूव करते हैं लाइफ में, अपने बारे में सोचते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, तो हमारा मूड जो है ना लिफ्टेड रहता है, हम बहुत खुश रहने लग जाते हैं विदाउट एनी राइम और रीजन। और बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज है जो हेल्प करती है हमें ठीक करने के, बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज है। एक मैंने वर्कशॉप रखी थी मेंटल स्पा, उसमें हमने बहुत सारे फियर्स को खत्म किए, बहुत सारी चीजों को, और ग्रुप में ही करी वो, उससे हेल्प हुई, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं चीजों को। तो जब हम उससे फ्री हो जाते हैं ना, अब जैसे इनकी डायबिटीज है, डायबिटीज का रीजन केवल स्ट्रेस ही होगा, खाना तो बहाना है, चीनी वीनी वगैरह, पर स्ट्रेस होता है सबसे ज्यादा। स्ट्रेस क्या होता है, माइंड में है ना, हमारे माइंड में स्ट्रेस है, वो बॉडी पे आ गया, अब बॉडी पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर हम चक्रा मेडिटेशन रोज करते हैं, चक्रों को बैलेंस करते हैं, या हम सीखेंगे कि अलग अलग तरीके से कलर से कैसे कर सकते हैं, मंत्र से कैसे कर सकते हैं, क्रिस्टल से कैसे कर सकते हैं, सांसों के साथ कैसे कर सकते हैं, साउंड के साथ कैसे कर सकते हैं, और साउंड के साथ जब हम करते हैं तो हम एकदम से हमारा मूड चेंज हो जाता है। ज्योति तुम एक्टिव रहना, अभी मैं करवाने वाली हूँ, है ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी जो नए हैं, जिनको पुराना पता है, वो ठीक है, मैं आज इसलिए इसीलिए शुरू करवा रही हूँ इससे, ये बाद में लेती, ताकि हम एक उस मूड में आ जाए, चार्जअप हो जाए, है ना, चार्ज हो जाता है ना इससे। तो ये चक्रा कौन सा हुआ, क्राउन, इसको क्या बोलते हैं, सहस्त्र सहस्त्र चक्र। ये वाला कौन सा हुआ, आज्ञा यानी थर्ड आय, थर्ड हुआ विशुद्धि यानी आय। थ्रोट चक्रा, सेंटर ऑफ हार्ट कौन सा हुआ, ये सेंटर ऑफ हार्ट हमारा कौन सा हुआ, ये अनाथ अनाहत चक्र। और नाभि के ऊपर, नेबल के ऊपर जब जो है वो कौन सा चक्र होता है, मणिपुर मणिपुर, जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। फोर फिंगर्स बिलो नेबल कौन सा होता है, स्वादिष्ठान, जिसे हम हारा चक्र बोलते हैं। और बेस जहाँ पे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, बेस वाला, वो होता है हमारा रूट चक्रा। तो रूप जो ऊपर के तीन चक्र है, समझ आ गए, 1 2 3, यहाँ पे हम बोलेंगे ही, ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। और आपको अगर हंसी आती तो प्लीज वो हमारी एनर्जीज को लिफ्ट करेगी, हम सब हंसते हैं यहाँ बैठ के उसमें, ही, ठीक है। उसके बाद हमारा हार्ट चक्र आ गया, और हार्ट चक्र के नीचे कौन सा आ गया, नाभि के ऊपर सोलर प्लेक्सस, यहाँ बोलेंगे हा 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 हा। और फिर नीचे के दो चक्र कौन से हुए, हो। ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, मनवीन क्लियर है, रमन क्लियर है, जो नए वाले लोग हैं, हाँ, क्योंकि सारे नए वाले आए नहीं है, तो उनको रिकॉर्डिंग दे दूंगी मैं ये वाली, ताकि ये रिपीट ना करना पड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं, सब बोलेंगे 3 बारी बोलेंगे ही, फोकस करेंगे इस चक्र पे, इस चक्र पे, इस चक्र पे, फिर दो वाले नीचे चक्र है, फिर रिपीट करेंगे 3 बारी हा 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 हा, और नीचे वाले दो जो चक्र उन पे बोलेंगे हो। इज इट ओके, करें स्टार्ट, मनवीन, ठीक है, स्टार्ट करें, तुम्हारे साथ बोलो, स्ट्रेट इधर फोकस करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट, जस्ट स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ताकि एनर्जीज लिफ्ट हो ऊपर, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, ही 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 ही
एक बार रिपीट करते हैं फिर से संगीता, और मैं मनवीन को वॉच कर रही हूँ, बाकी सबको पता है। ज्योति आपको पता ही है, आपने तो करवाया था हमें। हाँ मंदिर, आप बोलो। स्टार्टेड मनवीन, क्या हुआ, कैमरा क्यों ऑफ करा? कैमरा क्यों ऑफ किया मनवीन? लगाना एनर्जी, अपना मूड अच्छा हुआ ना। पूनम को तो एकदम से चार्ज अप हो जाता है। संगीता क्या तुम्हारा मूड ठीक हुआ कुछ? या मैम, आई एम रेडी टू रिसीव एवरीथिंग टुडे। मैम लास्ट वर्कशॉप में तो हम कितना हंसे थे इसमें। वी शुड लाफ लाइक दैट ओपन। तो क्या होता है हंसने से हमारी एनर्जी ऑल चक्रस ओपन। हाँ अपने आप है ना। तो जितने ब्लॉकेजेस है तो एक बारी दोबारा सब करेंगे, अगर हंसी आ रही तो भी ठीक है। तीन बारी बोलेंगे ही ही मुझे मालूम नहीं है क्या कर रही है। आई वॉन्ट योर नेक टू बी स्ट्रेट। करो जरा, देखे मैं तुम्हें, मेरी एनर्जी शाग्रा हो चुकी है पूरी। मैं कनेक्शन टूट गया था। चलो करो। ठीक है, हो गया। अब ये जो है ना, ये हम कभी भी कर सकते हैं दिन में। कहाँ संगीता? संगीता स्पेशली तुम्हारे पे ध्यान है, क्योंकि मुझे एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड लग रही है तुम्हारी एनर्जीज। मनवीन तो पकड़ में आ जाएगी, तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड है, ये सब सॉर्टेड है मेरे पास, बाकी है। रमन की मुझे चेहरा नहीं दिख रहा, सो आई कांट हेल्प हर मच। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसा बताया जा रहा है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, जब हम ही करते हैं या ऑटोमेटिक तीन चक्र खुल जाते हैं हमारे, फिर दो खुलेंगे और वो करेंगे। इससे क्या होगा, एनर्जीज भी थोड़ा सा चेंज नहीं नजर आ रहा है एनर्जीज में? हमें तो पता है, हमें तो आ ही रहा है, मुझे तो लग ही रहा है, आपको नहीं लग रहा? यस। क्यों संगीता, कुछ समझ नहीं आ रहा? मैम आई एम नॉट येट गेटिंग द फील। ओके फाइन, ठीक है। तो ये जो हम अलग अलग तरीके से करेंगे, ये हमारे को जो चीज सूट करती है, जो चीज लगता है इसमें मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मेरी एनर्जी लिफ्टेड है, वो हम टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस वेज हम कोई भी चीज को अपना सकते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट डे है। तो मैं बेसिक चीज से ही शुरू करूंगी कि जो नीचे वाला चक्र है यानी रूट चक्रा, उसका कलर क्या होता है? रेड। रेड होता है ना। और उसके ऊपर वाला स्वादिष्टान चक्र का? ऑरेंज। ऑरेंज मनवीन, ऑरेंज कलर होता है। उसके ऊपर येलो। येलो येलो। उसके ऊपर ग्रीन। ग्रीन। इसका लाइट स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। हाँ, और ऊपर इंडिगो। पर्पल। नेहा कैमरा नहीं खोलोगे ना, तब तक मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी।
तो ये चक्रास के अपने अपने कलर्स हैं, ठीक है। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए नहीं चेहरा नहीं दिख रहा नेहा तुम्हारा, फाइन, ठीक है। चलो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगी नेहा, जो तुमने मिस करी है, अभी यहाँ से अटेंड करो, शांत बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठो, मूव मत करो, ध्यान हटता है। हाँ, तो ये जो चक्रास हैं हमारे, इनको बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमने बात करी हमारी बीमारियां, हमारी लाइफ में हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगर ये ब्लॉक है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज मैंने बात करी रूट चक्रा की, मैंने एक रील डाली है कि हमारी बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती है लाइफ में। नेहा बेसिक नीड क्या है तुम्हारी, पता है तुम्हें? आवाज खोलो, बेसिक नीड क्या होती है? हेल्थ। और कौन सी है बेसिक नीड? फूड, मनी। फूड है ना, खाने बिना नहीं रह सकते, शेल्टर, घर बिना नहीं रह सकते, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान है ना, दीज आर आवर बेसिक नीड्स। तो और ये कहा कैसे पूरी होती है? पैसे से, मनी एनर्जी। अगर हमारी मनी एनर्जी नहीं है तो हम इनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा कौन सा चक्र एक्टिव होना चाहिए? हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा मानी मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे। तुम्हें पोजीशन पता है नेहा, लेट आई हो क्लास में? हाँ हाँ पता है। कहाँ होता है रूट चक्रा? बेसिक चक्रा। हाँ कहाँ होता है बेस चक्रा? कहाँ होता है? बैक साइड में, बिल्कुल नीचे, जो टेल होती है ना रीढ़ की हड्डी की, उसको बेस बोलते हैं। उस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल होती है, हमारे बॉडी के पेन्स यहाँ से गवर्न होते हैं। हमारे पैरों में दर्द है, हमारे घुटने में दर्द है, हमारे हिप्स के इश्यूज हैं, जो भी पेन्स हैं वो सारे कहाँ से गवर्न होते हैं? यहीं से। वेट इश्यूज है, हमारा वेट बहुत बढ़ा हुआ है तो भी यहाँ से जो नीचे हिप्स पे आ गया, वेट आ गया, इसका मतलब हमने कुछ सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर फील करते हैं हम, तो भी इसको हील करने से चीजें ठीक होती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे सारे चक्र हैं, हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। अभी मैं चाह रही हूँ मेडिटेशन कर लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा अच्छा फील करें, जिसके लिए हम रोज इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ मेडिटेशन करने के लिए, वो करें हम। स्ट्रेट बैठेंगे बिल्कुल संगीता, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे आप, मनवीन बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नीचे जाती हुई सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, पूरी सांस को नीचे रीढ़ की हड्डी तक लेके जाएंगे, पूरी सांस को नीचे रीढ़ की हड्डी तक लेके जाएंगे, सांस लेते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Breathe in and breathe out. Take a deep breath in.
टेक अ डीप ब्रेथ इन, अपना सारा ध्यान नीचे मूलाधार चक्र पे जाएंगे, लेके जाएंगे, मंत्र बोलेंगे यहाँ पर, रम लम 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 मंत्र बोलेंगे यहाँ, लम 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 आज सारा फोकस हम इस बेसिक नीड्स के लिए करेंगे यहाँ पे, और जितना हम आज जितना चैंट करेंगे उतनी ही एनर्जीज में हम स्पर्ल महसूस करेंगे, हमारी एनर्जीज उतनी ही बड़ी हमें फील होगी. सो आई एम स्टार्टिंग अगेन एंड आई एम गोइंग टू चैंट 108 टाइम्स टुडे. मेरे साथ आप अपनी, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप जोर से चैंट कर सकते हैं लम, और अगर चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज विजुलाइज रेड कलर हेयर, लाल कलर को भी विजुलाइज करेंगे और 108 बार चैंट करेंगे विद फुल फोकस, सारा ध्यान आपका मूलाधार चक्र पे, जहां भी आपकी एनर्जीज जाती हैं, ध्यान जाता है वहीं एनर्जीज फ्लो होती हैं. तो हम अपनी सारी एनर्जी को फ्लो करेंगे मूलाधार चक्र में की तरफ, ताकि हम उसको एक्टिवेट कर सके. बोलेंगे लम 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 lam 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 lam
लम 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 लम। लंबी गहरी सांस लेंगे, सारी ऊर्जा को, सारी एनर्जी को स्वादिष्टान चक्र पे लेके जाएंगे और बोलेंगे, ऑरेंज कलर को विजुलाइज करेंगे, वम। 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 सांस को ऊपर खींचेंगे, नेवल के ऊपर सोलर प्लेक्सिस येलो कलर का, रम। 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 अपने हार्ट चक्रा पे ग्रीन कलर को विजुलाइज करते हुए यम। 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 अपने थ्रोट चक्रा पे हम। 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 थर्ड आई पे शांभवी लगाएंगे, आंखों को ऊपर करते हुए देखेंगे अपनी आईब्रोज की तरफ, ओम। आओ। सारा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे, अपनी वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। जब मन हो धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। हाँ संगीता, ओपन योर वॉल्यूम। क्या लग रहा है तुमको अभी? I'm getting a lot of there was a lot of sensation in the hand. आज हमने जब 108 टाइम्स किया, पूनम आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? मैम बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, मतलब एक क्योंकि आज हमने सारा कॉन्सेंट्रेट एक चक्रा पे करके देखा। yes. क्योंकि ये हमारा अर्थ एनर्जी है, पृथ्वी तत्व है, हमारी एक्टिविटीज यहाँ से गवर्न होती है, हमारे पैरों में दर्द है, नीचे दर्द है, चल नहीं सकते, थकान हो जाती है, इससे हील होती है, तो एनर्जी फील हो रही है। पूनम शिखा तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। पर मेरा तो प्रॉब्लम ही बैठने की थी ना, मेरे से बैठा ही नहीं जाता था, तो हाँ। वो पिछले 1.5 साल से मैं बैठ ही नहीं सकती थी, लास्ट ईयर 9 मंथ्स तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, तो अब तो मैं हील हो गई हूँ चक्रा हीलिंग की वजह से।
अब मैं आराम से बैठ पा रही हूँ। तो ये लम ना जो नीचे वाला है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, वैदिक स्विच वर्ड, जो मैंने कभी बताया नहीं, आज मैं बता रही हूँ। जो वैदिक स्विच वर्ड्स की वर्कशॉप चलती है ना, कहीं पढ़ा होगा, तो वैदिक वर्कशॉप, वैदिक स्विच वर्ड क्या है, ये जो लम है मनी एनर्जी के लिए बेस, वैदिक जो करेंगे ना वैदिक स्विच वर्ड, तो लम को, इसलिए मैंने आज 108 बार कराया है। सो अगर आपको मनी एनर्जी को हाई करना, आपकी अर्थ एनर्जी, अर्थ एनर्जी यानी मनी एनर्जी, पृथ्वी तत्व, भौतिक सुख, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सारा गवर्न किससे होता है, हमारा इससे। अगर कहीं मनी ब्लॉकेजेस है, मनी हमारे पास नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, ये इस चक्रा के खुलने से सब हो जाता है। नेहा तुम बताओ, खोलो वॉल्यूम। मैम हम ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर प्रॉक्सी बात कर रहे हो, हाँ करके देखो, कर सकते हैं, पर करके देखो। रेकी में क्या करते हैं, को हील कर रहे हैं तो है ना, तुमने रेकी करी भी है ना? हाँ। फर्स्ट लेवल किया हुआ है ना तुमने? हाँ। सेकंड नहीं किया हुआ? तो सेकंड में क्या करते हैं, हम दूसरे को डिक्लेयर कर देते हैं अपनी बॉडी, और फिर कर सकते हैं। तुम कर सकती हो शिखा? अच्छा। यस मैम। तुम जब सेकंड डिग्री करोगे ना, फिर बताऊंगी दूसरे के लिए कैसे करेंगे, ठीक है ना? हाँ संगीता अभी बताओ। सुनो, जहाँ पे हो हमें क्या करना है, हमारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ वर्कशॉप में बैठी हूँ, तो मेरा फोकस यहाँ क्या हो रहा है, खींच खींच के ध्यान को लाना पड़ता है। This is a practice which we will learn here, right? बात करते करते कि कहीं नहीं जाना, यही है। अब तुम्हारे अगर डायबिटीज है तो कौन सा चक्रा डिस्टर्ब होगा इनका? सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस। देखो पटाक से लग गया आंसर, है ना? उसको हील करेंगे, उस पर काम करेंगे, ज्यादा उस पर चैंट करेंगे, सारे करेंगे, 108 टाइम्स उस पर करके देखे जरा, तो क्या रहता है। प्रकृति तुमने हाथ रेज किया था? मैम पीसीओडी का प्रॉब्लम हो तो किस चक्र इम्बैलेंस होता है बताओ तुम, कौन सा होगा पीसीओडी? सैक्रल चक्र। सैक्रल, सैक्रल चक्र। तो वो अकेले एक चक्र कर सकते हैं दिन में कि फिर सभी चक्र करना? देखो जिसमें ज्यादा है वो आप ज्यादा चैंट करो, और बाकी तो सबको बैलेंस करना ही पड़ेगा ना। ओके और मैम वो दो वाले होम है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता पड़ रहा है, तो आप मुझे दोबारा? देखो ओम जो ये वाला है, ये छोटा ओम है, और ये ओम यहाँ पे ज्यादा खींचते हैं, वो ऊ की मात्रा लग जाती है ओम में, तो आप एक बार करके, मैं कंफ्यूज होती हूँ उसमें एवरी टाइम। ओम भी करोगे चलेगा, दोनों ओम करोगे, चेक करते रहो। ओके ठीक है। ज्योति आप? हाँ मैम किया था और सही लगा मुझे। हाँ पूनम अभी बात करती हूँ ज्योति तुमसे। हाँ पूनम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हम लम चैन करते हैं, ये मतलब बोलना ही जरूरी है या ऐसे ही कर सकते हैं हार्ट बाय हार्ट? में अगर फील करते हैं अगर लम, तो बोलने से क्या होता है, कुछ तरंगे वाइब्रेशंस होती है, रम है ना, हम वहाँ पे फील करेंगे, थोड़े दिन में आपको रोटेशन फील होगा। ओके ठीक है मैम। जितना करेंगे ना अपन, अगर 10 मिनट भी सुबह बेड पे दे देते हैं ना इस पे, हमने जो सुबह अफर्मेशन करी थी अलाइन करने के लिए, वो जो अभी करेंगे आगे वर्कशॉप्स में, वो तो है ही, पर अलग अलग तरीके से करें, हम एक तरीके से करके बोर भी हो जाते हैं ना इसीलिए। हाँ प्रकृति। मैम पीसीओडी जनरली किस मतलब क्यों होता है, मतलब क्या चक्रा तो है पर और मतलब क्या इस हिसाब से वो इम्बेलेंस होता है तो होता है वो? अनहेल्दी डाइट की वजह से। हाँ क्या? अनहेल्दी डाइट की वजह से। अनहेल्दी रूटीन तो है वो, डाइट की वो नहीं, मतलब आप नहीं बोलते कभी कि आप प्रेम दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, वैसे वो क्या चीज है, आप नहीं बोल सकते कभी कुछ जेलसी हुआ या किसी का वो हुआ तो आपका वो चक्र? हाँ इमोशंस। इमोशंस सप्रेस्ड इमोशंस। ओके नॉट एक्सप्रेसिंग नो। देखो जो चक्रा है
उससे हमने बीमारी रिलेट किया, वो चक्र काय का, ये काय के लिए कि हम बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही तरीके से, थ्रोट चक्र ये ओपन होगा, लोग स्टैमर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये चक्र में गड़बड़ है ना, इसलिए स्टैमर करते हैं। नेहा तुम जो वर्कशॉप अटेंड कर रही हो तुम क्यों कर रही हो नेहा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और मेरे चक्रास को बैलेंस करने के लिए। कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। और कहाँ गए वो? मनवीन तुम बताओ, तुम्हें अभी क्या लगा? वेरी लाइट मैम, बहुत लाइट बॉडी लगा, स्ट्रेस था बस, दिमाग में बातें थी, वो सब जो लास्ट वाला 108 टाइम किया बहुत अच्छा लगा, लगा उससे फर्क लगा, वेरी रिलैक्सिंग। यस यस यस, दिमाग जा रहा था इधर उधर बट मैं फिर बार बार में उसी में जब बोलते थे वाइब्रेशंस आती थी तो बॉडी पूरी उसी में जा रही थी, मेरे को कलर्स भी वैसे ही फील हो रहा था, रेड कलर दिख रहा था। यस मैम, यस मैम। उर्वशी आप बताओ। हाँ वो जैसे कि शरीर में ऐसे गर्मी आ गई थी ऐसा लगा था, एनर्जी हाई हुई ना। हाँ, करा तो हाँ ठीक है ना। तो अभी जब हम ये करेंगे ना, जो मेरा कहने का मतलब है जो पार्ट आपका इफेक्टेड है उस पे हमें ज्यादा करना है ना, उस पे हम ज्यादा करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हमारा मूड ही नहीं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा ध्यान वहां जा रहा है, तो हमें तो ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा, उस समय कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा मनवीन, जिस चक्र की बात हो रही वहां है ना, ठीक है। तो अभी अभी जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो एक स्टार्ट करते हैं, मैं करवा देती हूँ क्योंकि कुछ नए लोग हैं यहाँ पे। यहाँ से आई रिलीज माई स्ट्रेस, 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 आई रिलीज स्ट्रेस, I release my stress. 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 Upar. I release my stress. 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 देखो कहाँ गया? लंबी गहरी सांस. कुछ लगा फर्क? संगीता तुम्हें, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे ज्यादा वरी हो रही है, बाकी तो हैंडल हो जाएंगे, तुम्हारे को हैव टू यू नो ब्रिंग ब्रिंग हियर अगेन एंड अगेन। स्ट्रेस रिलीज हुआ कुछ है? कुछ स्ट्रेस? व्हाट आर यू बॉदर्ड अबाउट? क्या चिंता है ज्यादा? आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इचिंग इन माय बॉडी एंड you know, until I have to go and see a doctor or what, I don't understand how this has happened. Itching matlab abhi ho rahi hai? Yeah, lot of... I'm itching can be because of high diabetes. Huh? Itching can be because of high diabetes. Kyunki mere saath bhi ye problem ho jati. I'm also a diabetic. So with proper diet control na, so your sugar levels can be down. So you have to take proper diet from a dietitian. No, as of now, my sugar levels are very high. Ma'am, my sugar level have gone to 470. Okay. So, but now it's 100 and 150 because I have taken diet, proper diet. Okay. So you need not worry that much. Take proper diet, so you will be fine. Okay, I'm not yet started on any medication, so I need to get started on medication also. You know, if you can take diet from a dietitian, if you will take, so they will guide you properly, and I don't think you need to start medications then. Okay. It is borderline, it will go. सबसे पहले हमें ना स्ट्रेस पे काम करना है। राइट राइट, है ना, जो स्ट्रेस से हो रहा है और फिर डाइट तो है ही, तो एक हाँ है ना, क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है ना, मेरा ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा है, बिकॉज़ वेरी लो, शी वाज लुकिंग वेरी स्ट्रेस्ड,
हाँ ये मतलब वी आर यू आर नॉट इवन हियर, वर्कशॉप तो ज्वाइन करी है बट मेरा ध्यान किसी पे नहीं जा रहा, तुम्हारे तरफ जा रहा है। नेहा आई है, मुझे ठीक लग रही है बिल्कुल, ठीक है ये ऐसे स्टूडेंट आई है मुझे नया सीखना है ना, पर मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है इसका ऐसा कि कोई। मनवीन को अपने चक्रास खोलने शिविर पे, वो अपना ध्यान कर रही है कि हाँ मुझे महसूस हो रहा है वो कर लेगी, पर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा और ज्योति का, मुझे दोनों का ज्योति की भी चिंता रहती है और तुम नए हो अभी आज ही आए हो, सो कोई भी देखेगा ना। और भी मरीज हैं क्या, यू कैन शेयर हियर, नो इश्यूज, या इट विल रिलीज, नो फीलिंग अनलव मैम, वरीज सबको होता है बट प्लीज स्माइल, आप थोड़ा स्माइल लाओ प्लीज पे। आपको क्या पता मेरे पास कुछ है टेंशन, आई हैव लॉट्स ऑफ वरीज, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन माय लाइफ, बट ऑलवेज स्माइल, फेक इट टिल यू मेक इट, आप स्माइल करो, आप स्माइल नहीं कर रहे हो दैट्स व्हाई आप उसी को बढ़ाते जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप स्माइल करो, स्माइल करके दिखा आई थिंक स्माइल करो। आई एम द एल्डर वन इन माय फैमिली, मेरे फादर नहीं है, 22 इयर्स बैक माय फादर एक्सपायर नाउ, तो मेरी सिस्टर है यंगर, मैंने उसकी मैरिज की, आई सैक्रिफाइस, मैंने अपनी मैरिज नहीं की, मेरा यंगर ब्रदर है उसको अभी मैंने कनाडा मूव ऑन किया है, मेरे मदर है मेरे साथ ही बैक पे बैठे हुए हैं, वो अपना पार्ट कर रहे हैं, मैं और मेरे मदर है, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन माई लाइफ, के ब्रदर गया है, उसके दो दिन बाद ही मेरी सिस्टर ज्यादा बीमार हो गई, उसकी किडनी का कोई इशू आ गया, तो कुछ रोने से तो कुछ होगा नहीं, तो हंस के ही कर लो, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही ना, तो इग्नोर दैट, आप बिल्कुल ना सोचो, बिल्कुल ना सोचो, आप ऑलवेज हैप्पी। मैं मैम का करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ फॉलो करती हूँ, लाइक 24 मैम का देखती हूँ और वो करती हूँ, मतलब यू स्माइल दैट लाइफ, पहले 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 एक्सप्रेस करो क्या दबा रखा है दर्द, हाँ वो है ना, रो या तो रो लो या छोड़ दो। I'm blessed. I don't have any problem. Any problem. I'm so blessed. I've got two lovely children. My husband is very nice. I don't have any problem. But I don't know this health ka thing. I've never taken medicines, and I always want to. I've always trusted the universe. नो नो ये सब ठीक हो जाएगा, आप उसको छोड़ दो। चक्रा की क्लासेस में आए हो सीमा मैम के पास, शी इज वेरी पोलाइट, मैं इनको बहुत देर से फॉलो कर रही हूँ इंस्टा पे, बस कीप स्माइलिंग, छोड़ दो आप उसको, आप आए ये एंजाइटी हो रही है, हैप्पी हूँ, हैप्पी 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 करके करो, सीखोगे तो अपने आप ब्लॉकेज निकलेगी। मेरे को मेरे ब्रदर की जॉब नहीं लग रही ब्रम्पटन में, मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है, मैं उसका रेज्यूमे घर पे बना रही थी सुबह से, छोड़ दो, मैंने बाबा जी विल डू एवरीथिंग है ना, आप हैप्पी रहो बस, आप हैप्पी रहोगे तो पॉजिटिव एनर्जी करोगे, अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, स्ट्रेस से वैसे भी शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव ही स्ट्रेस होएगा, ये तो मैम बोलते हैं कट क्लियर कैंसिल कट 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 कट, वो नेगेटिव बीमारी बीमारी तो बोलनी ही नहीं है, कुछ नहीं करती है ये तो मैम बोलते, तो मैम हमारा ये दूसरी फैन है आपकी मैम, मेरी तरह दूसरी फैन है, लग रहा है मुझे जो हर चीज फॉलो कर रही है, मुझे यही लग रहा है, पर ये संगीता को देखो ना, इतने लोग अटेंशन दे रहे हैं, स्माइल ही नहीं आ रही चेहरे पे, अरे संगीता दीदी स्माइल करो, देखो दुनिया के पास वो भी है जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं कुछ, आपके पास इतने लवली चाइल्ड है, सब है फैमिली, देन व्हाई ये बॉडी है इसमें दुख सुख बना हुआ है, थोड़ा आता है थोड़ा जाता है, बट उसको आप इग्नोर करो ना, आप थोड़ा सा छोड़ो, मैं इसी वजह से अपनी लाइफ को करने हैं, आई जस्ट वांट स्ट्रेस फ्री, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ करूँ अपनी, मैं 3 दिन से क्लास की सबमिशन नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम रीजन, फैमिली रीजन, तो मैं मैम को मैसेज, मैम मेरा कर लेना, मैम मेरा कर लेना, तो मैम को मैंने फोन कॉल किया, तो प्लीज स्माइल, अब तो इतनी अच्छी जगह पे आ जाओ, आपका ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, सो स्माइल, हो गया जो अच्छी, तो हमारे ही ग्रुप वैसे ही बहुत मोटिवेटिंग और बहुत ही अच्छा रहा है, वो दो चार लोग, वो देवेंद्र जी दोबारा ज्वाइन नहीं किया उनको लगा दे तो ठीक हो जाती संगीता जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। व्हाट इज योर हेल्थ इश्यू, व्हाट इज योर हेल्थ इश्यू, हां मैम, अब संगीता जी व्हाट इज योर हेल्थ इश्यू,
my sugar levels have suddenly gone up very high. Then? So that is stress over No, you consult a doctor also, and then you do this also side by side. Yes, yes, I'm going to. I'm going to. So now there's no point in worrying. It will again go up. Worry shoot up your sugar. No, so I have never taken any medicine. Sometimes we'll have to take some medicines also. Even Ayurveda, you can see. Try Ayurveda. You first get your blood test, then. I've got it done. That's what I've just got my report. So that's what is upsetting me. So how much is the sugar? No, it's almost 400. Yeah, that will be okay. Don't worry. Yeah. It'll go. Once you take medicines, it will come down. Yes. But one thing is for sure, you are facing some stress or having stress. Something unknown stress is there. That eyes are showing. If you open up, it will go from your head. Maybe father ki to nahi ja. No, my father is really living and happy. He should be don't agree. Pura restless lag raha. Aap restless lag rahe ho. Aise restless lag rahe ho. I'm sorry, I can't. Maybe after 1 or 2 days. No, whatever is bothering you, open up. It will go. See, now nobody is going to judge you. All are there to help you. Raman, camera on karenge apan? Yeah. So Raman hai na bhi. Everybody is there to help you. Thank you. Raman, camera on karo. Bye, Raman. Dekho, ye tumhe help kar sakti. Manvin, she is in Brampton. Main mila rahi hu. Brother abhi Brampton gaya hai. Maine kaha ye iska ये कनाडा रहती है मैं कहा मिलवा दूं शायद हेल्प कर देगी इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ले लिया इसे वर्कशॉप करनी है पर आज नहीं कर पा रही है रमन वॉल्यूम आवाज नहीं आ रही है खोलो वॉल्यूम क्लोज है वॉल्यूम अनम्यूट करो हाँ जी सो अभी तो चेरो बाद में करेंगे पहले बताओ चक्रा वर्कशॉप क्यों चेक करना चाह रहे हम वैसे तो खत्म हो गई है पर भाई रमन आई एम आस्किंग यू व्हाई आर यू हियर आई जस्ट वांट टू इंप्रूव माय लाइफ समहाउ आई जस्ट वांट टू इंप्रूव माय लाइफ समहाउ If like you can help Manveen over there. Hello. Chaat masala. Brampton gaya hai. I mean Canada gaya hai. So if you can help her, to kar dena uski help jo bhi usko chahiye. You can just help because he's new to the place. Yeah. Right. Haan ji. So aap kya kar rahe ho abhi wahan par? Main city ke saath kaam karti hu. मैं सिटी के साथ काम करती हूँ बस ट्रांसिट ब्रैम्पटन ट्रांसिट की बस चलाती हूँ अरे वाह मतलब या सिटी की बस होती है ओके सिटी बस ठीक है ना तो इफ यू कैन हेल्प हर कुछ तुसी हेल्प कर सकते हैं हम यहाँ पे मैंने इसलिए भी ऑनलाइन लिया वर्कशॉप भी तुमने ज्वाइन करी नहीं है अभी कार्ड्स देखने थे इसके बाद देख दूंगी मैं मेरे को लग रहा था इसको हेल्प की जरूरत थी अगर कोई सपोर्ट मिल जाए बिकॉज यू स्टे इन ब्रैम्पटन He stays in, her brother stays in Brampton. So she is the only one who is feeding him, helping him out to go. She's like a mother to him. So if you can help her out. Haan ji, number exchange kar sakte hain hum aur aap mere ko message aur kuch bhi kar lena jab bhi aapke paas time ho to. Thank you, ma'am. Thank you so much. Koi baat nahi, koi baat. He needs job now. 1.5 month pehle gaya hai wo. So he needs job now. There's references चाहिए होते हैं वहाँ पे तो he doesn't have reference and all तो reference की मदद number दे देना कोई बात नहीं thank you ma'am so much so nice of you help हो जाएगी तुम्हारी यहीं पे इसलिए मैंने इसको लिया ये मुझे message कर रही थी इसकी reading मैम वैसे एक बात बोलूं आपके आते ही ना देखो कैसे magic हो जाता मैंने कुछ नहीं कर रहा ये कहाँ से नहीं नहीं इसको वर्कशॉप इसने कब के पैसे सबसे पहले इसी ने दिए थे मुझे
तो इसकी कार्ड रीडिंग भी ड्यू थी, तो आज बोली मैं वर्कशॉप अटेंड नहीं करूंगी, मैं बाद में कर लूंगी, मेरी कार्ड रीडिंग कर लेना, ये मुझे मैसेज कर रही थी, मैं कहा तू पहले ऑनलाइन आ जा, शायद इसको हेल्प मिल जाएगी मनवीन को. थैंक यू मैम, सो नाइस, दिस इज गॉड, थैंक यू, शी विल हेल्प यू आउट, ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच, गॉड्स वे ऑफ नेटवर्किंग. मैं तो हमेशा से कहती हूं मैम द ह्यूमन एंजल है हमारी लाइफ में. अरे कुछ नहीं है, तुम लोग खुद मेहनत करते हो, इसको संगीता को बोलो अपने ऊपर काम करे. Yes. शिवा मैम, मैजिक 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 तीन बार ही बोलते हैं ना, शांति 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 ही, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था मैजिक मैजिक मैजिक. क्यों बार बार ऊपर गया उसके लिए बोलते हैं ना. ना 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 ना, योगा करके भी तो बोलते हैं ओम शांति. ऊपर वालों से ज्यादा हमें शांति चाहिए. वो तो शांत हो ही गया. देखो संगीता अभी फ्रेंडली हो रही है, स्माइल आई है चेहरे पे इतनी देर बाद. संगीता मैम हमें शांति चाहिए, हम नीचे वालों को जरूरी शांति चाहिए, ऊपर वालों को तो मिल गई भगवान के पास, तो प्लीज स्माइल नाउ. नो नो मैम, थैंक यू सो मच, आई विल बी एब्सोल्युटली ओके, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. इन फैक्ट आई एम ऑलवेज क्या बोलते हैं, आई एम द क्रीम ऑफ द, यू नो, आई एम, दे कॉल मी अ बटरफ्लाई बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी बबली, बट दिस थिंग हैज कम सडनली, व्हाट हिट मी, आई डोंट नो. आप मैम स्पेक्स उतार रहे हो, स्पेक्स के बिना ज्यादा सुंदर लग रहे हो, आप ज्यादा यंग लग रहे हो स्पेक्स के बिना. लेकिन आप दिखाई नहीं देते हो ना फिर. ठीक है ना, आप हमें तो दिखाई दे रहे हो, सड़ा मुंह बना के नहीं लग रहे हो, सड़ा मुंह बना के नहीं बैठना है यहाँ. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल ठीक है ना. अभी मैं कुछ और शेयर कर दूंगी रोज के लिए बना के. मे बी अब मैं जो वर्कशॉप लेने वाली ना, आज मैंने इंडक्शन से ही लिया है, कुछ करा नहीं है मैंने. विल स्टार्ट फ्रॉम 7th बिकॉज आई एम शिफ्टिंग टू उज्बेकिस्तान. उसकी मेरी फ्लाइट है रात दिल्ली, है ना, उसकी फ्लाइट है. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, ये मैंने अनाउंस कर दी थी, तो आज मैंने सोचा रख लूंगी. 7th से अपन स्टार्ट करेंगे, 7th से. टिल देन वी विल बी इन टच. मैं दूंगी आपको कुछ करने के, तब तक आप इन वो कर लेंगे ना, मेडिटेशन से ठीक हो जाएंगी. फर्स्ट डे वाला दे दो मैम, फर्स्ट डे वाला दे दो, फर्स्ट डे वाला. संगीता जी यू डू योर सोलर प्लेक्सस विल ओपन. मैम होमवर्क दे देना, नहीं तो मिस बहुत करेंगे हम. नहीं नहीं मैं भी अभी मैं दे दूंगी, ठीक है ना. ओके चलो नमन, अगर आपको कुछ खाना पीना तो खा पी के बाद में कर लेना. हियर आई हैव, डोंट वरी. चलो ठीक है मैम, मेरा भी बाकी है. क्या चीज, क्या बोलो नेहा, कार्ड रीडिंग मेरा भी बाकी. ठीक है ना, चलो मैं बात करती हूँ. ओके बाय 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 ब